अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादी उम्मा आप सभी का खैर मकदम है। आज का खास दोपहर के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पूरे मुल्क में पीएफआई पर एनआईए की कार्रवाई को लेकर चर्चा जारी है। हमने कल भी कहा था कि इसे लेकर लोगों में मुख्तलिफ राय देखी जा रही है। कई तंजीमों ने पीएफआई पर हो रही कार्रवाई को गलत साबित किया है तो कुछ लोगों ने इसे सही भी साबित करते हुए देखा गया। खैर आज बेलगाम शहर में भी पुलिस की जानिब से भी पीएफआई और एसडीपीआई के कारकुनान को सुबह घरों से उठाया गया और दफा 110 के तहत हिंडरगा जेल भेज दिया गया। इनकी सुबह 10 बजे के बाद अदालत में पेशी की गई। इससे पहले रामनगर अस्पताल में मेडिकल जांच भी की। लिहाजा शहर में इसी मौजू पर तबसरे होते हुए देखा गया। क्या यह कार्रवाई महज हाईवे जाम कर एहतजाज के मद्देनजर ही कार्रवाई की गई या फिर पीएफआई को लेकर हुकूमतों की गाइडलाइन कुछ और है, इस पर भी सवाल किया। डीसीपी रविंद्र गढ़ादी, एसीपी नारायण बर्मनी और सदाशिव कटवनी के जेर निगरानी आज सुबह कार्रवाई की गई। पीएफआई के कारकुनों के चेहरों पर किसी तरह का अफसोस नजर नहीं आ रहा था, लेकिन माशरे पर अफसोस करने को जरूर जी कर रहा था क्योंकि पूरा माशरा बीसी की नींद में गाफिल नजर आया, जो हमेशा की तरह रहता है। लिहाजा क्या पीएफआई पर पाबंदी लगा दी जाएगी? क्या पाबंदी के बाद पहले एक माह और बनाया जा रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लिहाजा कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। साबिक सदर जफीउल्लाह फैजी को भी पुलिस हिरासत में लेने की इत्तला हासिल हुई। एसडीपीआई के आबिद खान कडोली, सबीउल्लाह के साथ दीगर अपराधों पर कार्रवाई की गई है और भी लोगों की तलाश जारी होने की इत्तला हासिल हुई है। कुछ अपराध फरार है या फिर एनआईए के जेर पूछताछ है, इसका इल्म नहीं हो पाया है, लेकिन कई सारे कयास लगाए। एक और साबिक कारकुन अफजल राजगुड़ी की भी सेहत के मद्देनजर इन्हें छोड़ दिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक पीएफआई कारकुनान की जानिब से बेलगाम हाईवे जाम कर एहतजाज किया गया था। लिहाजा उन्हें उस दिन शाम को छोड़ दिया गया ताकि मामला ज्यादा संगीन न बने, लेकिन 4 दिन बाद पुलिस की जानिब से सुबह छापे मार कर इन्हें हिरासत में लिया गया। शुरुआती इत्तला के मुताबिक दफा 110 के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरा खदशा यह भी है कि अगर इसी दरमियान पीएफआई पर पाबंदी आयद की जाती है, क्योंकि उस वैसी बातें और तस्करे जारी है, मीडिया में भी खबरें चल रही है, तो सेक्शंस बदले भी जा सकते हैं और इनकी हिरासत तवील हो सकती है। वाजह रहे कि मरकजी सतह पर पीएफआई पर पाबंदी लगाने की हलचल तेज होने की भी इत्तला हासिल है। वैसे भी मीडिया में पीएफआई को देश विरोधी गतिविधियों में मुलव्वस होने का नैरेटिव हमेशा की तरह चला जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या सिर्फ हाईवे पर बिना इजाजत एहतजाज करने पर ही कार्रवाई हुई है, फिर इसके बाद मामले को और आगे बढ़ाया जाएगा। महल दफा 110 का मामला रहा तो जल्द जमानत हो जाती है, इतना तो जरूर है कि पीएफआई को लेकर इंतजामिया पर दबाव भी जारी है और कार्रवाई की अगली कड़ी क्या होगी इस पर भी आवाम में चर्चा जारी है। इतना जरूर है कि सिवाय गिरफ्तार अफराधों के घर वालों के और मीडिया वालों के उस जगह पर कोई भी दिगर जिम्मेदार नजर नहीं आया। एक तरह की जमीनी सच्चाई की तस्वीर इसे कह सकते हैं जो तमाम को देखने को मिली। देखते हैं कि जल्द रिहाई होती है या फिर नहीं, या फिर और दिगर अपराधों को गिरफ्तार किया जाता है। मामला क्या है? पीएफआई और एसडीपीआई के अब तक 7 कारकुनों को जेरे हिरासत में लेने की बात है। देखते रहे इत्तेहादी। शुक्रिया। अल्लाह गेला नाही आता ही सगळी मजे मजे थांबणार बघेन डोर क्लोज।
नहीं अभी सुबह सुबह आपको बिना आने वारंट के अरेस्ट करके आने अभी इधर लेके जाके पूरा इंक्वायरी करके आने हमारे को मेडिकल सर ಸಾಕ್ಬಿಡ್ರು ಚಿತ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ